Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास सीरीज इनक्रेडिबल जर्नीज द राइजिंग स्टार्स में। इस शो के माध्यम से हम आपको मिलाएंगे उद्योग जगत के कुछ ऐसे उभरते सितारों से जो कि आगे चलकर भारत का दुनिया में नाम रोशन करने की क्षमता रखते हैं। आज देखते हैं दिल्ली बेस्ड कंपनी एनक्राफ्ट की कहानी, जो कि यूरोपियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के खिड़कियां और दरवाजे बनाती है और अपने यूनिक प्रोडक्ट्स से आपके घर और ऑफिस स्पेसेस को और भी सुंदर और बेहतर बना सकती है। दिल्ली स्थित DCJ ग्रुप की प्रमुख कंपनी एनक्राफ्ट इंडिया लेड फ्री और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल UPVC दरवाजे और खिड़कियां बनाती है। 2006 में एनक्राफ्ट की शुरुआत राजीव जैन ने की, जो आज भारत के UPVC फेनेस्ट्रेशन मार्केट में एक प्रतिष्ठित नाम बन चुकी है। एनक्राफ्ट भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरत और भारतीय जलवायु को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट डिजाइन करती है, जिसमें केसमेंट, स्लाइडिंग और कंबाइंड डोर्स और विंडो शामिल हैं। एनक्राफ्ट ने 2006 में ब्रिटेन की कंपनी हेलो सिस्टम्स के साथ साझेदारी की है। एनक्राफ्ट इस साझेदारी के माध्यम से UPVC फेनेस्ट्रेशन में नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला रही है और अपने उपभोक्ताओं के लिए लंबे चलने वाले स्टाइलिश और ठोस प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रही है। देहरादून में स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ साथ विंडो इंडस्ट्री में 40 वर्षों के एक्सपर्टीज की मदद से एनक्राफ्ट अपने ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी, हाईटेक मशीनरी और एक मजबूत मार्केट प्रेजेंस का उपयोग कर रही है। तो आइए एनक्राफ्ट के बारे में और जानने के लिए अब बात करते हैं कंपनी के CEO अवनीश सिंह बिसेन से। अवनीश, वेलकम टू CNBC आवाज। थैंक यू। To start at the very beginning, DCJ Group was established in 1961. Cane furniture strips और PVC pipes के साथ शुरुआत हुई। आज Encraft जो DCJ Group का एक brand है, it specializes in doors and windows. So tell us a little bit about how this journey has taken place. Yeah, DCJ means जैसा आप समझ रहे हैं, DCJ means DC Jain, जो कि हमारे honorable chairman थे, जिन्होंने इस group की शुरुआत 1961 में की थी। He was a self-made man, without any one of the financial support, just he has started. 1960 में एक बार उनके एक दोस्त ने अपने भाई की फैक्ट्री में उनको लेके गए, जहाँ पे कि केन फर्नीचर बनता था, और एट दैट डे ही हैज डिसाइडेड ही विल डू दिस बिजनेस। देन वंस अगेन ही हैज स्टार्टेड डूइंग द रिसर्च फॉर द रॉ मटेरियल, मशीनरी, सब कुछ हुआ। फिर पैसा कहाँ से आए? देन ही हैज बोरोड दिस 10,000 रुपीज मनी फ्रॉम वन ऑफ हिज रिलेटिव एट इंटरेस्ट, एंड फाइनली इन द सेप्टेम्बर 1961 विथ हिज करेज, सेल्फ कमिटमेंट, ही हैज मेड हिज ड्रीम ट्रू एंड ही हैज स्टार्टेड दिस बिजनेस। मीन्स ही वॉज अ मैन जिनके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एक कहावत है कि साहस से डर को भी डर लगता है, ही हैज प्रूव्ड दिस। PVC पाइप का बिजनेस उन्होंने 1974 में शुरू किया था। यहाँ भी एक ऐसी सिचुएशन आई थी 80s में कि इतने सारे ऑर्डर्स थे कि उन्होंने एक्सट्रूजन मशीन ऑस्ट्रिया से इम्पोर्ट की थी बाई ईयर, और इंडिया दिल्ली में लैंड करने के 48 घंटे के अंदर उन्होंने प्लांट को कमीशन करके प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी। एनक्राफ्ट जो है, एनक्राफ्ट उनके जो बड़े लड़के हैं मिस्टर राजीव जैन, ये उनका विजन था। Right. क्योंकि DC जैन साहब ने पूरे ग्रुप को अपनी सेकंड जनरेशन को ही हैज ग्रूम्ड लाइक दैट वे, इवन ऑल आवर एम्प्लॉइज आर हैविंग द सेम वैल्यूज एंड एथिक्स। तो मिस्टर राजीव का भी था कि कुछ अलग हट करके पापा से करना, सब कुछ उन्हीं का किया हुआ बिजनेस है जा करके। देन ही वॉज हैविंग द विजन टू गो स्टार्ट इन द UPVC फेनेस्ट्रेशन, एंड दैट्स हाउ एनक्राफ्ट हैज स्टार्टेड इन 2006 विद अ टेक्निकल कोलैबोरेशन विद वन ऑफ द यूरोपियन बेस्ट कंपनी हेलो सिस्टम UK। दैट्स हाउ। राइट। And 2006 mein Encraft was established, you joined in 2010 as CEO of the company. What has your mandate been over the last few years? Encraft has started in 2006 and I joined this company in 2010. At that time I was not the CEO, I was taking care for some different parts of the other vertical groups. Right. I took over this charge in the August 2018 only, or after August to till date, if you can see that this year very proudly we are crossing the sale record of the past 3 years, right? And just only what I am doing, basically just whatever the values and ethics of our group, that's what we are following. Like, we believe strongly in the trust, loyalty and heart-to-heart relationship. And that's how we work with each and every customer. And always we ensure that all our products
हैज़ टू इंश्योर द क्वालिटी लाइफ ऑफ आवर यूजर्स. राइट. और आज एनक्राफ्ट की प्रोडक्ट रेंज क्या है? व्हाट इज़ योर यूनिक सेलिंग पॉइंट? हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिशन? इफ़ यू टॉक द प्रोडक्ट रेंज, बी इट एनी डिज़ाइन, एनी स्पेसिफिकेशन, एनी क्लाइंटेज, एनक्राफ्ट इज हैविंग अ सोल्यूशन एंड एलिगेंस टू मील ऑल एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू द UPVC डोर्स एंड विंडोज नीड. And currently we have the highest range of product range available for the UPVC doors and windows in India, which none of the competition is having. And the unique selling feature, if you see that all the Encraft UPVC doors and windows are free from the lead and other hazardous substances, and it's specifically designed by keeping the Indian consumer and Indian conditions in mind, and it's being tested and extruded as per the British, European and international standards. That's how. Right. So you are keeping European standards, but you are serving the Indian market. Yeah. How does it fit the Indian climate and Indian weather? Yeah, very right question. Because see, why the European standard is being followed here? Because basically this product is, it has came from the Europe. The know-how was not here in India. Then only we are talking for the European standard. But how come a European standard where the temperature is hardly 20 degree, where you see the Indian temperatures, how it's varying? अगर आज देखोगे शिमला में बारिश हो रही है तो अब तमिलनाडु का टेम्परेचर देखिए. दैट्स हाउ. यस सर्टेनली दैट स्टैंडर्ड्स हैज टू फॉलोड, बट इट हैज टू बी स्पेसिफिकली डिजाइन एंड ट्रॉपिकलाइज्ड एज पर द इंडियन कंडीशंस. आज अगर आज इनक्राफ्ट की भी आप बात करेंगे तो यूरोपियन स्टैंडर्ड को हमने अपने कंसिडरेशन में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, अपना हमने अपने भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं, और यही हमारा विनिंग पॉइंट है, बिकॉज वी नो इंडिया बेटर देन यूरोपियन पीपल्स. राइट. And talking about the markets, you are present in India in a big way. Aap all over the country present hai. Is there a plan overseas jaane ka, export karne ka bhi? Yeah, 110%. Agar aap baat karengi aaj ke time mein, to the neighbor countries already we are doing to the Nepal and Bhutan, and for the like Middle East also already we are doing. Like if my other group companies are already doing the exports, and then certainly it's in our plan. And we will be. Right. Okay. और आज आपका sales and distribution network India में कितना बड़ा है? कितने states में आप present हैं? कुछ अपने network के बारे में बताएं. If you talk in India as of now, then we are having the largest sales and distribution network. We have the dedicated distribution center and the authorized channel partner, just to ensure the product delivery at every doorstep. Whether its clients may be in the northeast, Andaman, to the Jammu Kashmir, to the Trichy, everywhere. We are available. थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बारे में भी बात करते हैं. यू हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देहरादून में, तो किस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज आप यहाँ पे यूज करते हैं और प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? आर यू ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी ऑलरेडी? फर्स्ट थिंग, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन टेक्नोलॉजी एंड वी बिलीव इन टेक्नोलॉजी. वी बिलीव इन टेक्नोलॉजी वेरी मच. वी हैव द वर्ल्ड बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी एक्सट्रूजन मशीन्स विच द मनी कैन बाई. And all our plant is the complete art of manufacturing facility is as per the complete European setup we have, and where we have around the 6 extrusion lines, and which can produce around 7,000 metric ton per annum. And if you talk my capacity utilization, then as of now I am working around 40% of my capacity. Right. Okay. So there's no need for immediate expansion. You have enough facility in place. As of now, there is no need, but certainly the way how, because we have a very bigger plan for the next year to grow more than 50%, right. Then certainly we will be, means you will be going to witness a very one of the massive plant of Encraft India. Okay, wonderful to hear that. And we are sitting in this beautiful, display area of yours, a lot of doors, windows here, but ye khidkiyan darwaze bahut hi subjective to taste hote hain. So how do you customize for the consumer? Har customer ke according hum isko customize karte hain, kyunki yahan pe basically kya hota hai, jo ek home owner hai uske mind ko samajhna bada zaruri hota hai. And whenever we design, hum ye maan ke chalte hain ki hamare doors and windows ki jo life honi chahiye wo that should be the overall jo building ki life hai, like the 40 years, 30 years. Aisa nahi ki laga kar ke aap nikal jaiye. और इसीलिए जैसा कि आप यहाँ देख भी सकती हैं कि ये हमारे पास जो इतना बड़ा जो डिस्प्ले सेंटर है, और इसीलिए हमने बनाया है कि हम कस्टमर को यहाँ बुला करके उनको एग्जैक्ट मॉडल दिखाते हैं. इट्स नॉट अ मिनिएचर मॉडल कि एज इट इज़ यही उठ करके आपके घर में लगेगा. यहाँ पे आप मतलब एक आप जा सकते हैं कि एक फ्रॉम मास हाउसिंग टू अ विलास बंगलोज टू द सेलिब्रिटीज, लाइक हाउ वी डिड मोस्ट सम ऑफ द सेलिब्रिटीज हाउस ऑल्सो देयर इन द मुंबई, एंड अकॉर्डिंगली वी डू द कस्टमाइजेशन एज पर द क्लाइंट्स नीड. So, but are you selling B2C right now, or are you selling only B2B right now? We provide the know-how, we design the systems, but ultimate the end product is being delivered to the client through our approved channel partners, who are being trained, approved and audited by us,
एंड दे ओनली डू द फैब्रिकेट, दे विल टेक द मीन्स इनपुट फ्रॉम द कस्टमर अलॉन्ग विथ आवर ओन टीम एंड दे आर इंस्टॉलिंग द फाइनल प्रोडक्ट एट द कस्टमर एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड वाइड दिस मॉडल वर्क्स. राइट, एंड सो हु आर सम ऑफ योर बिगेस्ट क्लाइंट्स हियर? यहाँ पे अगर आप बात करेंगे बिगेस्ट क्लाइंट्स में, देन यू कैन टेक द मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स नेम, लाइक वी आर वर्किंग विथ ऑल द इंडियाज मोस्ट ऑफ द रिनाउंड डेवलपर्स. राइट, एंड द सेम वे आवर क्लाइंट इज द आर्किटेक्ट्स, रियल इस्टेट डेवलपर्स, द गवर्नमेंट एंड द एंड यूजर्स. रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस रहता है एनक्राफ्ट का. आपने हेलो सिस्टम्स यूके की कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप की 2006 में. सो सिंस देन टू नाउ, what have your investments in R&D been like and what has been the turning point for the company? Yeah, jaisa aapne bola ki yes, Incraft ka main focus jo rehta hai day one se hamara R&D pe hum bahut zyada focus karte hain, because we always would like to be design a product over and above the market expectation aur customer consumer ke need ko dekhte hue. Since this product ka know how India mein available nahi tha, हमने 2006 में जो यूके की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी थी WHS हेलो सिस्टम, उनके साथ जाकर के हमने टेक्निकल टाई अप किया. और इवन वन ऑफ द जेंटलमैन, एक यूरोपियन जेंटलमैन जाकर के, हुज नेम वाज मिस्टर हैगर, ही हैज ऑन बोर्ड विथ अस. उन्होंने पूरे हमारे प्लांट को सेटअप किया, जिनके पास के 3 decades का एक्सपीरियंस था. 3 साल उन्होंने इंडिया में लगाया. उसके बाद जब जाकर के हमारी टीम रोबस्ट हो गई और हमारी टीम ट्रेंड हुई, देन ही हैज मूव्ड आउट. सेम वे जो हेलो सिस्टम के चीफ डिज़ाइनर मिस्टर रॉबर्ट, जो कि लेजेंडरी हैं इस इंडस्ट्री में, उनके पास 40 प्लस ईयर्स का नो हाउ, ही हैज़ ऑन बोर्ड विद हस, हु हैज़ स्टार्टेड हेडिंग द डिज़ाइन एक्टिविटी ऑफ द इनक्राफ्ट इंडिया. एंड अकॉर्डिंगली वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट. लाइक अगर आप देखेंगे, देन वी हैव बॉट द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेस्टिंग मशीन, जो कि आई डोंट बिलीव दैट एनी वन ऑफ माई कंपटीटर इज हैविंग. एंड दैट इज़ अ रिजल्ट वाई वी हैव द वेराइटी ऑफ द रेंज एज पर द इंडियन ट्रॉपिकल कंडीशंस. एंड दैट्स हाउ वी वर्क. और ये भी कहते हैं कि एनक्राफ्ट इंडिया की इकलौती UPVC प्रोफाइल्स की कंपनी है जो कि ROHS कंप्लायंट है. तो व्हाट इज दिस ROHS कंप्लायंस एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर दिस प्रोडक्ट? करेक्ट, ROHS मींस रेस्ट्रिक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेज, मींस आपका प्रोडक्ट जो है वो उनसे अलग है. इवन अगर आप बात करेंगी तो आज हम ROHS से भी ऊपर, वी आर टॉकिंग फॉर द रिच, विच नन ऑफ द पीपल आर डूइंग. और आज के टाइम में ये नहीं है कि वी आर द ओनली वन, बट येस वेरी प्राउडली वी कैन से दैट वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया हु हैज स्टार्टेड द प्रोफाइल एक्सट्रूजन ROHS कंप्लायंसेज इन 2006. अब आज के टाइम में आने के बाद, जैसे जैसे इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स द ग्रीन बिल्डिंग एंड एवरी थिंग, देन एवरीबडी हैज टू डू दिस. राइट, ओके. एंड स्पीकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, देर इज ऑल्सो अ वेरी एम्बिशियस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट. Companies like yours are very, you're placed very well to contribute to this mission. Aap already 1961 se Make in India ki taraf contribute kar rahe hain. So, what do you think of this mission? And over the last couple of years, do you think the ease of doing business has improved in this country? Make in India concept, jo ab main baat karengi, basically Make in India is one of the very proud moment for any one of our Indian business entrepreneurs are heads, that whatever things needs to be done, that has to be made it here. And certainly if you see the from the past couple of years, the ease of doing business has been very easy, although this GST is a very good step towards that, which being as a businessman, we are feeling a lot of easy things, and certainly the business operation and the business fraternity is enjoying this. And if you talk for our group, from the day one we are having a very proud to be an Indian, right? And very proudly we are saying, and that's how we are beating to the global standards also. From the day one, all the Incraft is being manufacturing facilities there in India, but we are importing the best available raw material and the machinery from the world to ensure the best quality standard, whether it's the British, European or any international. And if you see the our past 6 decades of the experience has helped us a lot to understand the real product for the Indian market need. And accordingly, specifically, we have designed the product by keeping Indian conditions and Indian consumer in mind. And that's how our products are being enjoyed at different places of the India by the users from past 1 decade, where you can take any temperature, as I said, plus to the minus. Right. Wonderful. So on that note, ab lete hain ek chota sa break. Break ke baad humari baatcheet jari rahegi Encraft ke CEO Avneesh Singh Visen se. Dekhte rahiye CNBC Awaaz.
वेलकम बैक. आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज इनक्रेडिबल जर्नीज द राइजिंग स्टार्स ओनली ऑन CNBC आवाज. और आज हम बात कर रहे हैं एनक्राफ्ट के CEO अवनीश सिंह बिसेन से. सो अवनीश, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इनोवेशन. आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस ऐसा है कि इनोवेशन के बिना आप रियली सक्सीड कर ही नहीं सकते हैं. सो हाउ डू यू बिल्ड द इनोवेशन कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? सी, जैसा कि आपने बोला कि इनोवेशन के बिना फाउंडेशन बिल्ट ही नहीं हो सकती है. एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड सो क्विकली टू द न्यू प्रोडक्ट, टू द लॉन्च इन द मार्केट एंड ऑल्सो गेटिंग द प्रोडक्ट टू द मार्केट फास्ट इज द नेम ऑफ गेम. एंड हियर व्हाट वी डू, बेसिकली आवर स्ट्रॉन्ग R&D टीम कंटिन्यूअसली फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट इनोवेशन बाई कीपिंग इन माइंड, बिकॉज दैट हैज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी लाइफ ऑफ द एंड यूजर. And accordingly, we get the feedback survey from the market, what exactly is happening, after services also. And when we thought we were keeping ourselves in the shoes of the customers, and accordingly, we design like lot of the debate session in our R&D team we do. And also we do the innovation in the product just to get the comfort to the end user as well as at the cost front also. Right. So that the end user will get the value for money. India is a very fragmented and very highly competitive market. आप यहाँ compete कर रहे हैं you know, with the corner furniture market also, जहाँ की unbranded, unorganized shops हैं जो कि यही products offer कर रही हैं. आप compete कर रहे हैं IKEA जैसे global giants के साथ भी. So, what gives you the edge? How do you ensure that you are ahead of the curve? See, rightly you said, in India, still the price is the main deciding factor, but still यहाँ पे द क्वालिटी इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एंड एवरीबॉडी नीड्स द क्वालिटी, राइट? एंड वैल्यू फॉर मनी, व्हाट वी डिलीवर टू देम, दैट ऑलवेज वी आर इंश्योरिंग देयर शुड बी द वैल्यू फॉर मनी. एंड अल्टीमेटली वी डू अ लॉट ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम टू द एंड कस्टमर्स एंड टू द डेवलपर्स, आर्किटेक्ट, जस्ट टू ब्रिंग देम व्हाट इज अ गुड प्रोडक्ट एंड व्हाट हैज टू बी देयर व्हिच कैन परफॉर्म. बिकॉज क्या है कि अगर आप देखेंगे आज के टाइम में 35% जो किसी भी बिल्डिंग का जो हमारा एनर्जी लॉस होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द विंडोज. राइट. व्हेन वी आर कंपेयरिंग देम टू देम कि बॉस आप जा करके यहाँ पे केवल उस पर मत जाइए, यू सी इफ सपोज यू आर गिविंग सम एक्स हियर, देन हाउ मच यू आर गोइंग टू सेव इन ओवर पीरियड ऑफ टाइम. एंड दैट्स हाउ वी नीड टू एजुकेट टू द कस्टमर एंड सी एवरीबडी इज रेडी. एंड वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, नो डाउट इज अ कॉम्पिटेटिव मार्केट, बट स्टिल the business opportunity which is there in India as a reason whole globe is being attracted here. Right. And yahan wo India jahan pe ek nano bhi bikti hai to ja kar ke Rolls Royce bhi bikti hai. Ji. We have to be place ourselves in that area. That is very well said. But talking of the Indian consumer, aaj ka consumer thoda bahut environmentally conscious bhi ho gaya hai. Today people are thinking about the environment, thinking ki hum carbon footprint na chode. To at Encraft, are you adopting green business practices? Yeah. Even we are the part of the Indian Green Building Council. और जो carbon footprint की आपने बात किया यहाँ पे, that is our main focus. Because once you use this UPVC, Encraft UPVC doors and windows with the other available material like the wood, steel or aluminium, anything. And any future fenestration, जैसा कि आपने बोला कि less carbon footprint use करेंगे. और जितने भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं या रॉ मटेरियल्स हैं, दैट इज़ वी आर 100% सर्टिफाइंग एंड फॉलोइंग थ्रू द इन्वायरमेंटल एज वेल एज द हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. और वही रीजन है कि वी आर द पार्ट ऑफ द IGBC. ओके, दैट्स वेरी गुड टू हियर. लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट ब्रांड बिल्डिंग ऑल्सो. आपकी ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रैटेजी क्या है? किस तरह से एडवर्टाइज और मार्केट करते हैं आप अपने प्रोडक्ट्स को? हमारे तीन मेन पिलर हैं, जो कि मैंने बोला कि वी बिलीव इन ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड हर्ट टू हर्ट रिलेशनशिप. और हमारी कोई भी ब्रांडिंग एक्टिविटी या कोई भी एडवर्टीजमेंट एक्टिविटी होती है, उसका हमारे मेन पिलर, मेन कॉन्सेप्ट उनके पीछे यही तीन होता है. बिकॉज वी ऑलवेज लाइक टू मेंटेन, हम दिल से रिश्ता मेंटेन करना चाहते हैं अपने कस्टमर के साथ. और लाइक यू सी, इमोशन इज आवर मेन स्ट्रेंथ एंड वी आर हाईली इमोशनली कनेक्टेड विथ आवर ब्रांड, विथ आवर कंट्री. ओके, एंड व्हाट्स योर लॉन्ग टर्म विजन फॉर एनक्राफ्ट? यहाँ से आप कहाँ ले जाना चाहते हैं कंपनी को? The answer is very simple in a single line. We would like to be the first preferred choice of our customers. Okay, let's also talk a little bit about financial goals. What is the sort of growth that you have seen over the last couple of years? Kis tarah ki turnover hai? Kya goals set kar rahe hain aap next financial year ke liye?
अगर आप देखेंगे तो इवन वी आर रिलेटेड टू द रियल इस्टेट बिजनेस, ऑल दो द रियल इस्टेट हैज़ नॉट डिड वेल फॉर द लास्ट दिस ईयर, बट स्टिल वी डिड द बेस्ट एंड वेरी प्राउडली आई कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ एंड सपोर्ट ऑफ ऑल माई कस्टमर्स एंड द टीम मेम्बर्स, दिस ईयर वी आर क्रॉसिंग द सेल रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट थ्री ईयर्स एंड नेक्स्ट ईयर वी आर टारगेटिंग टू ग्रो मोर देन 50%. एंड योर पर्सनली योर वन सक्सेस मंत्रा दैट यू you know, use every day of your life? My success mantra is the speed. I always believe in the speed. Speed? Speed, yeah. Speed of delivering. Speed of anything, speed in your action, in your service, everywhere. And heart-to-heart relationship with our customers. Because I believe we have to take care for the three partners, any one of the stakeholders, whether it's our employee, it's our partner, whether it's our vendors, our customers. And second thing is that the product quality. Right. These are the main pillars which has to be there, because you see, speed is the main success mantra for me. Right. Because we have to beat the heat of the market. Okay. Very nice talking to you, Abneesh, and all the best for the future. Thank you for joining us on the show today. तो आज के शो के लिए बस इतना ही. उम्मीद है कि एनक्राफ्ट की कहानी ने आपको भी अपनी औद्योगिक जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया होगा. हम फिर हाजिर होंगे अगली बार कुछ और कहानियों के साथ. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. गुड बाय. Focus. Ideate. Innovate. Enable.